जब आप क्लास बंक करते हो, जब आप टीचर्स को फनी फनी नेम्स देते हो एंड पढ़ने का दिल नहीं करता, मूवीज देखने का दिल करता है, अपने क्लासमेट्स के साथ फन करने का दिल करता है, तो यही होती है 16 की याद है। 16 इज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म, इसमें कुछ भी बॉलीवुड टाइप नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं। जो यू नो व्हाट, हमारी फिल्म जो ट्रेलर्स मैं कल फिल्म देखने के बाद मुझे लगा ट्रेलर से कुछ भी नहीं है यार, फिल्म देखो, मतलब फिल्म हैज अ लॉट डीपर मीनिंग एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। बहुत एक्साइटमेंट है फिल्म, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्राइडे को रिलीज है और मैं और पूरी टीम ये होप करती है कि ये फिल्म एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल जाए और हिट जाएगी। वो पूरा फेज जो है वो बहुत सबसे मैजिकल फेज होता है और वो हर आदमी फेस करता है और हर आदमी को पता है कि उसका जादू क्या होता है, उसका मैजिक क्या होता है। तो ये फिल्म उस जादू को, उस एंथुजियाज्म को, उस ब्लिस को, उस मैजिक को, उस मिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म जो उस पर खरी उतरेगी। इसकी बायलाइन मुझे बहुत पसंद है, 16 बरस की साली उम्र को सलाम। मेरा फेवरेट गाना है 16 बरस की साली बाली उम्र को सलाम। सो आई होप आई विश देम बेस्ट। फुली फिल्म जो है वो उस लाइन से ज़्यादा है जैसा मैंने सुना है और बहुत तारीफ है, और उस उम्र के लोगों के साथ ऐसी जेन्युइनली 16 ईयर ओल्ड जो नौजवानों के ऊपर फिल्में कम बनी है हिंदुस्तान में। थोड़ा क्या होता है, बड़े लोग प्ले करते हैं, उनको दूसरी तरीके से प्ले किया जाता है, तो एक जेन्युइन यंग फिल्म बहुत कम है, तो आई होप इट इज दैट वन। दादा हमारी प्यारी फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं तो स्माइल देख रहे हैं हमारे फेसेस पे। तो ये जो हमारे साथ है 16 के जो किरदार उन्होंने बताए, बहुत एक्साइटेड है ये भी और हम भी, क्योंकि हमारी भी प्यारी फिल्म है, सब बहुत एक्साइटेड है और आई एम श्योर कि हम आप सबको एक्साइटेड करेंगे ये फिल्म देखने के बाद।